YouTube चैनल गेम्स के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है कि मार्वल फ्यूचर फाइट गेम में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी टीम में रखने से उनका ऑल अटैक इंक्रीज हो जाता है। चाहे वो कैरेक्टर कोई भी हो, सुपर विलन हो या सुपर हीरो हो, ऑल अटैक इंक्रीज करते किसी का भी। तो चलिए हमारे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं जो हाल ही में न्यू कैरेक्टर आया है और जिसके पास सबसे पावरफुल ऑल अटैक इंक्रीज है। तो हम बात करते हैं ग्लेडिएटर की, जिसके पास अप्लाइज टू ऑल एलाइज 55% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक है। इसको किसी भी टीम में लीडरशिप पे रखो, ये 55% इंक्रीज ऑल अटैक कर देगा। चाहे वो फिजिकल अटैक हो, एनर्जी अटैक हो या और कोई भी अटैक हो, ये इंक्रीज कर देगा 55% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक। और इसका लोकेशन है, आप इस कैरेक्टर को कहाँ से हासिल कर सकते हो, आपको एपिक क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा और जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनको टीयर टू करने पड़ेंगे। बीटा रिबिल हो गया, फेलावल हो गए, डार्क होक, नोवा, रिचर्ड राइडर, नेब्यूला और पनिशर को आपको टीयर टू करना होगा। फिर उसके बाद ये आपको टीयर टू नेटिव कैरेक्टर मिलेगा, टीयर टू मिलेगा वन स्टार। और इसमें नोवा आपको 6600 में ड्यूलक्स पैक में परचेस करना पड़ेगा क्रिस्टल से। और फेलावल पेड कैरेक्टर है, इसके साइड 20 या 30 बायोमेट्रिक्स मिलेंगे एपिक क्वेस्ट में। मैंने अभी तक एपिक क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया इसलिए मेरे को मालूम नहीं है, पर इसके बायोमेट्रिक ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग एपिक क्वेस्ट कंप्लीट करके इसको एक्वायर कर सकते हैं। अब हमारे दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं जो है कि एंटीमैन। एंटीमैन के पास अप्लाइज टू ऑल एलाइज 45% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक। इसको लीडरशिप पे रखने से 45% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक होगा। और ये कैरेक्टर हमें कहाँ से मिलेगा, इसका लोकेशन है सील्ड स्लैब प्रोसेसर। तो इसके बायोमेट्रिक, ये तो प्रीमियम है, आपको पैसे पेड करके इसके बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करने होंगे या तो फिर यहाँ पे प्रोफेस सील्ड लैब में जाके इसके बायोमेट्रिक्स परचेस करने पड़ेंगे। प्रोड्यूस और यूनिवर्सल टाइप बायोमेट्रिक्स में इसके मिलेंगे। हम 10 times मैं करके दिखाता हूँ। प्रोड्यूस नोवा के मिले हमें पर इसके नहीं मिले। फिर से नोवा के मिले, ये देखो एंटीमैन का 1 बायोमेट्रिक मिला मेरे को यहाँ पे। तो ये बहुत हार्ड तरीका है, आपको यहाँ से 10 बायोमेट्रिक भी मिल जाएंगे ना तो आप इसको रैंकअप टिकट्स, इस पर रैंकअप टिकट्स यूज़ करके इसको 6 star कर सकते हैं। तो आपको लीडरशिप में फ़ायदा मिलेगा, 45% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक है इसका। अब बात करते हैं हाइपीरियन की, इसका भी 45% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक है। अप्लाइज टू ऑल अलायंस 45% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक, ये भी एंटीमैन की तरह 45% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक करता है। तो इसका लोकेशन क्या है, मंथली डील गेट 20 बायोमेट्रिक्स डेली। ये फुल्ली प्रीमियम कैरेक्टर है, इसके लिए आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। तो ये न्यू प्लेयर्स के पास तो होना बहुत मुश्किल है, तो आप इसे परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना जाने दो, आपके पास एंटीमैन मिल जाएगा आपको। और हम बात करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की जो कि है साइक्लोप्स। साइक्लोप्स का क्लासिक वाले यूनिफॉर्म में लीडरशिप है, अप्लाइज टू ऑल अलायंस 25% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक एंड 25% इंक्रीज ऑफ ऑल डिफेंस। तो ये डिफेंस भी इंक्रीज करता है 25% और 25% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक करता है। तो ये न्यू प्लेयर्स को इजीली मिल जाएगा, इसको आप 6 star करो, टीयर 2 करो, इसका एबिलिटी आपके पास हो, इसका एबिलिटी ओपन हो जाएगा। तो आप इसे किसी भी कैरेक्टर के सामने लीडरशिप पर रख सकते हैं। और अगर आपके पास इसका फोनिक्स 5 वाला यूनिफॉर्म है तो इसका ऑल अटैक इंक्रीज होकर मिलेगा आपको 35 में। अप्लाइज टू ऑल अलायंस 35% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक होगा और 25% इंक्रीज ऑफ ऑल डिफेंस होगा। तो ये न्यू प्लेयर्स को इजीली मिल जाएगा और आप इसको अक्वायर कर सकते हैं क्या नाम एपिक क्वेस्ट में से। ये देखो मैं बता देता हूँ, वुल्वरीन वाले एपिक क्वेस्ट में से आपको इसके बायोमेट्रिक्स मिल जाएंगे।
यहाँ से डेली 10 बायोमेट्रिक्स मिलेंगे, मैंने क्लियर करके रखा है, और साइट सपोर्ट शॉप में से भी इसके बायोमेट्रिक्स मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं दिखा देता हूँ अभी सपोर्ट शॉप में इसके बायोमेट्रिक्स है क्या। सपोर्ट शॉप में साइक्लोप्स के बायोमेट्रिक्स नहीं है, तो ये खाली वुल्वरिन वाले एपिकोस्ट में ही मिलेगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के पास जो है मून गर्ल, सॉरी अभी मून गर्ल का लीडरशिप है अप्लाइज टू ऑल अलायंस 36% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक। ये किसी भी कैरेक्टर्स का 36% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक कर देगा, तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगी कैरेक्टर्स। इसका लोकेशन है सपोर्ट शॉप, इसके बायोमेट्रिक्स आपको सपोर्ट शॉप में से मिल जाएंगे। तो अब हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जो है कि विक्टोरियस, इसका स्किल इसके पास है अप्लाइज टू ऑल अलायंस 35% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स है, और अप्लाइज टू डॉक्टर डूम डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव बाय 20% और 25% इंक्रीज ऑफ एनर्जी अटैक। तो ये किसी भी लीडरशिप में रखने, किसी भी टीम में लीडरशिप में रखने पे इसका 35% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक कर देगी है हर कैरेक्टर का, और अप्लाइज टू डॉक्टर डूम, स्पेशली डॉक्टर डूम पे अगर इसकी टीम में डॉक्टर डूम रहेगा तो डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव बाय 20%। डॉक्टर डूम पे जो भी डैमेज आएगा वो 20% कम हो जाएगा, और डॉक्टर डूम किसी भी कैरेक्टर पे अटैक करेगा ना वो 25% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम एनर्जी टाइप कैरेक्टर है, वो एनर्जी अटैक करता है, तो उसका 25% इंक्रीज हो जाएगा अटैक। और हम इस कैरेक्टर को अक्वायर कर सकते हैं, इसका एलिसिप्टर बायोमेट्रिक्स मिलेगा एपिक क्वेस्ट में यहाँ पे, अगर आप इसको खेलेंगे तो लग बाय चांस डेली एक या दो बायोमेट्रिक्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से इसके बायोमेट्रिक्स अक्वायर कर सकते हैं। और फैंटास्टिक फोर वाले एपिक क्वेस्ट में से इसके शायद 20 या 25 बायोमेट्रिक्स आपको मिलेंगे, तो ये कैरेक्टर 1 स्टार मिल जाएगी आपको। आप चाहे तो इसको रैंक अप टिकट दे के 6 स्टार कर सकते हैं, और 6 स्टार मास्टरी करके इसका लीडरशिप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जो है कि अमेरिका चावेस, इसका स्किल में जाएंगे और इसका अप्लाइज टू ऑल अलायंस 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स है, और डोज रेट इंक्रीज है बाय 6%, तो ये डोज रेट भी इंक्रीज करेगी 6% और 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक है। हम लोग इस कैरेक्टर्स को अक्वायर कर सकते हैं, सपोर्ट शॉप में मिलेगी ये कैरेक्टर भी आपको, तो न्यू प्लेयर्स को ये इजीली मिल जाएगी। अब बात करते हैं हल्क बस्टर की, इसका ऑल अटैक इंक्रीज है अप्लाइज टू ऑल अलायंस 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स है, तो इसके पास इतना ही है, ये भी आपको सपोर्ट शॉप में से मिल जाएगा। लोकेशन हीरो चेस्ट में से मिलेगा, ये सपोर्ट शॉप में नहीं है, होना चाहिए, एक सेकेंड में आपको देख के बता देता हूँ, सपोर्ट शॉप कॉम्बैट टाइप नहीं, यहाँ पे हल्कबस्टर नहीं है, तो आप इसके बायोमेट्रिक्स है ना शेडोलैंड के स्टेज 5, 10 और 15 क्लियर करने के बाद जो बायोमेट्रिक सिलेक्टर मिलता है उसमें से आप इस हल्कबस्टर के बायोमेट्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप उधर से इसको अक्वायर कर सकते हैं, ये भी इजीली मिल जाएगा शेडोलैंड के स्टेज 5, 10 और 15 क्लियर करने के बाद कुछ बायोमेट्रिक्स मिलते हैं, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करके इसको अक्वायर कर सकते हैं इस कैरेक्टर को। अब बात करते हैं हम लोग सोंगची की, तो इसका लीडरशिप है 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स है, ये भी 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक करता है, और इस कैरेक्टर्स को हम अक्वायर कर सकते हैं वही सेम अल्ट क्या नाम हल्क बस्टर वाले तरीके से। इसके भी बायोमेट्रिक्स आपको शेडोलैंड के स्टेज 5, 10 और 15 क्लियर करने के बाद जो बायोमेट्रिक सिलेक्टर मिलेगा उसमें से आप उसके बायोमेट्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के पास जो है कि विकन, अप्लाइज टू ऑल अलायंस 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक, ये भी 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक करेगा, और इस कैरेक्टर के बायोमेट्रिक्स हमें मिल जाएंगे सपोर्ट शॉप में से, तो ये इजीली मिलेगा न्यू प्लेयर्स को सपोर्ट शॉप में, तो आप इसको अक्वायर करके 6 स्टार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जो है पनिशर, पनिशर का
ऑल अटैक इंक्रीज है 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स है, ये भी 24% ऑल अटैक इंक्रीज करेगा। और अगर आप इसका गोस्ट कॉस्मिक गोस्ट राइडर वाला यूनिफॉर्म है अगर आपके पास तो भी शायद 24% इंक्रीज ऑल अटैक ही, तो यूनिफॉर्म में कोई इंक्रीज नहीं हुआ इसका बोनस, तो 24% इंक्रीज ही। अगर आपके पास क्लासिक यूनिफॉर्म है तो भी 24% इंक्रीज ही ऑल अटैक करेगा। और इसका लोकेशन है ये भी आपको सपोर्ट शॉप में से मिल जाएगा, आप इसको अक्वायर कीजिए और इसको टीयर टू कीजिए और इसका यूनिफॉर्म भी परचेज कीजिए, काफ़ी अच्छा यूनिफॉर्म है इसका। आप इसको अलायंस बैटल में यूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड बॉस में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस कैरेक्टर को टीयर टू कीजिए। चाहे तो आप पोटेंशियल भी बढ़ा सकते हैं 70 तक। अब बात करते हैं अल्ट्रॉन की। अल्ट्रॉन भी अप्लाइज टू ऑल अलायंस 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स करता है, तो ये भी 24% इंक्रीज ऑल अटैक करेगा चाहे किसी भी टीम में हो, तो ये भी आपको इजीली सपोर्ट शॉप में मिल ही जाएगा, तो आप इसको भी अक्वायर कर सकते हैं। 6-star करने की ज़रूरत है, टीयर 2 भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं होगन की। अप्लाइज टू ऑल अलायंस 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक, ये भी 24% इंक्रीज ऑल अटैक करेगा। और इसकी लोकेशन है सपोर्ट शॉप, ये भी आपको सपोर्ट शॉप में से मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी कैरेक्टर की, जो है सिन, रेड स्कल के डॉटर। तो अप्लाइज टू ऑल अलायंस 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक, इसका भी 24% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक है। इसका लोकेशन है जो जैसे कि आपको हल्क बस्टर और वो मिलेगी क्या नाम सोंगची, वैसे उसी तरीके से ये शेडोलैंड स्टेज क्लियर करने के बाद जो स्टेज 5, स्टेज 10 और स्टेज 15 पे बायोमेट्रिक सिलेक्टर मिलेगा उसमें से आप सिन के बायोमेट्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपको जो डेली 8 बायोमेट्रिक सिलेक्टर मिलता है उसमें से भी आप स्पीड टाइप वाले में से इसका बायोमेट्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं, और वैसा ही सोंगची और हल्क बस्टर आर्मर के साथ कर सकते हैं, उनके बायोमेट्रिक्स आपको कॉम्बैट टाइप में मिलेंगे। तो यही थे ऑल अटैक इंक्रीज करने वाले कैरेक्टर्स, जो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।